पासे सब जग जीते, जन्म खरा हो जाए। सेवा भक्ति है मूल कर्म, जो करे तर जाए। मधुर व्यवहारी, निरहंकारी स्वर्गीय श्री धनराज जी सेठिया एक ऐसे महामना श्रावक थे जो कर्मनिष्ठ, शांत व्यक्तित्व, निष्ठावान संत सेवी, मृदुल स्वभावी थे, जो बरबस ही लोगों का मन मोह लेते थे। श्रीयुत सेठिया जी की धर्म पत्नी श्रीमती फूलीबाई सेठिया भी आपके साथ सभी धार्मिक सामाजिक सेवा के कार्यों में लगातार उत्साह से लगी रही। आचार्य तुलसी के प्रति आपकी भक्ति अतुलनीय थी। आचार्य जी के प्रति आपकी श्रद्धा ऐसी थी कि आचार्य जी के चातुर्मास के प्रतीक्षा में 3 वर्षों तक गेहूं का पूर्णतः त्याग रखा। जो कर्म पथ का हो पुजारी, उसके सम्मुख दुनिया हारी। शासन सेवा में समर्पित सेठिया जी की कीर्ति उनके सुकर्मों के कारण सब तरफ थी। आपकी सेवा भावना से प्रसन्न आचार्य श्री तुलसी ने आपको दक्षिण बाहुबली के विरुद्ध से अलंकृत किया। आपकी प्रमाणिक जीवन शैली का ही प्रभाव रहा है कि आप जैन श्वेतांबर 13 पंथ सभा बैंगलोर के 25 वर्ष मंत्री व 2 वर्ष अध्यक्ष रहे। गुरु सेवा से पुण्य मिले, पुण्योदय हो जाए। सेवा भक्ति है साधना, जो साधे तर जाए। 25 वर्षों तक निरंतर विहार सेवा का अनुपम लाभ लेने के साथ 1.5 वर्षों से अधिक समय तक सेठिया जी चप्पल आदि के पूर्णतः त्यागी रहे। शासन सेवा में सेठिया जी का अतुलनीय समर्पण देखकर आचार्य तुलसी ने 1976 में लाडनू में भव्य समारोह में आपको शासन श्रावक की पदवी प्रदान की। सन 1977 में काल के दुर्भाग्यपूर्ण चक्र के कारण श्री धनराज जी सेठिया जी ने गांधीनगर 13 पंथ सभा में प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए अपनी अंतिम श्वास ली। ऐसे ही न जाने कितनी अनुपम और अनोखी कहानियों का भंडार समेट रखा है आपके अनुपम व्यक्तित्व ने।